देखिए आज के फटाफट बुलेटिन की बड़ी और प्रमुख खबर। ललितपुर में यातायात जागरूकता माह के पहले दिन ही हुई दुर्घटना, जिसमें शहर के स्टेशन रोड स्थित कंपनी बाग के सामने एक सड़क हादसे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी से एक गर्भवती महिला की जान चली गई। हादसे में स्कूटी चला रहे शिक्षक नरेंद्र कुमार श्रीवास घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी अंजू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शहर के गोविंद सागर बांध के साइफनों के पास एक अज्ञात महिला का शव बांध किनारे पानी में उतराता मिला है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बांध से निकलवा कर उसे अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और अज्ञात महिला के शव की शिनाख्ती के प्रयास में जुटी हुई है। ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने यातायात माह नवंबर के मौके पर शहर के घंटाघर स्थित पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय सदर के बाहर दीप प्रज्वलित करते फीता काटा और प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी, दिखाकर किया रवाना और सभी जनपदवासियों से यातायात नियमों की पालन करने की अपील की। ललितपुर में सामाजिक सेवा में सदैव आगे रहने वाली सामाजिक संस्था कौमी एकता सेवा समिति द्वारा समय समय पर अनेक सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली त्यौहार के मौके पर जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। राहत सामग्री पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे, मानो त्यौहार पर कोई फरिश्ता उनके बीच आकर भेंट दे गया हो। परिवार द्वारा समिति के सदस्यों का शुक्रिया उन्हें दुआएं देकर किया गया। समिति अध्यक्ष परवेज पठान व अन्य सदस्यों द्वारा कहा गया कि सामग्री व अन्य मदद का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुख्य अतिथि सदर क्षेत्राधिकारी अभय नारायण राय ने समिति के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक सेवा करना पुण्य का कार्य है, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समिति के संरक्षक डॉक्टर राजकुमार जैन ने भी अपनी बात रखी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक ललितपुर के सभी जैन मंदिरों में प्रातःकाल बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाया गया। श्रद्धालुओं ने प्रभु अभिषेक, शांति धारा एवं भगवान महावीर पूजन निर्वाण लाडू समर्पित किया और सायंकाल घरों में पूजन अर्चन एवं दीपोत्सव हुआ। नगर के अभिनंदनोदय तीर्थ पर मुनि अविचल सागर महाराज के सानिध्य में पुण्यार्जक परिवारों ने शांति धारा की और निर्वाण लाडू चढ़ाया। इसके अतिरिक्त नगर के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अटा मंदिर, नया मंदिर एवं बड़ा मंदिर, आदिनाथ मंदिर, गांधीनगर पार्श्वनाथ समोवशरण मंदिर, बाहुबली नगर स्थित श्री जैन मंदिर, चंद्रप्रभु मंदिर डोंडाघाट, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर इलाइट, मुनि सुव्रतनाथ मंदिर गौशाला के अतिरिक्त देवोदय तीर्थ देवगढ़, सतोदय तीर्थ सेरोन, शांतोदय तीर्थ जहाजपुर, ज्ञानोदय तीर्थ, अतिशय तीर्थ बालाबेहट में पहुँचकर श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन के साथ निर्वाण लाड़ू चढ़ाया एवं प्रभु की भक्ति पूर्वक आरती आदि सम्पन्न हुई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।